Hello students, welcome to Study Well e-learning, and the topic we are going to discuss today is polyploid. Okay, so polyploids, as the name suggests, poly means many and ploidy means sets of chromosomes. So polyploids are those individuals having more than two sets of chromosomes. Jin cells mein do se zyada chromosomes ke sets hai, unhe hum polyploid cells bulayenge. दो से ज्यादा का मतलब है तीन सेट्स हो जाए, चार, पांच, छह और कितने भी ज्यादा बढ़ जाएं, दे ऑल कम अंडर पॉलीप्लॉइड्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पॉलीप्लॉइडी, इस वर्ड का मीनिंग है, पॉली का मतलब है मेनी एंड प्लॉइडी का मतलब है सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. So polyploidy is a phenomenon that means occurrence of many sets of chromosomes in a cell. Agar many ka matlab yahan hai do se zyada. 2n aap jante hain, 2n ko hum bulate hain diploid. 2n ka matlab hai do sets chromosomes ke. Ek cell mein agar chromosomes ke do sets hain, we call it a diploid cell. And if there is a single set of chromosomes, उसको हम क्या बुलाते हैं? Haploid. But we are not taking these two as polyploids. ये तो हमारे euploids में आ जाते हैं. Euploids मतलब true ploids, यानी कि इनके पास chromosomes के complete sets हैं, या एक है या दो है. Polyploids में अगर वहाँ पर हमारे पास हो गए triploid, three sets of chromosomes. Okay, तो हम उसे triploid बुलाएंगे. Four, if there are four sets of chromosomes, we will call it tetraploid. Five sets, 5n is pentaploid. 6n will be hexaploid. 7n will be heptaploid. 8n octaploid, and so on. It will keep on going like this. So, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एक सेल में तीन सेट्स, चार सेट्स, पांच सेट्स क्रोमोसोम्स के कैसे आते हैं. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलीप्लॉइड्स? एक रीजन तो है नॉन डिसजंक्शन. हमने पहले भी डिस्कस किया था एन्यूप्लॉइडी के टाइम कि अगर एक सेल में कंप्लीट दो, एक या दो सेट्स के अलावा एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, दो क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा है, या एक या दो क्रोमोसोम्स कम है इस सेट में से, दैट बिकम्स एन्यूप्लॉइडी. बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉलीप्लॉइड्स की, मींस मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. तो कब ऐसा होगा कि क्रोमोसोम्स के सेट्स बहुत बढ़ जाएंगे, दो सेट से ज़्यादा हो जाएंगे? ऐसा होगा ड्यू टू वन रीजन इज नॉन डिसजंक्शन. अगेन द सेम रीजन विच इज देयर फॉर एन्यूप्लॉइड्स, वही रीजन पॉलीप्लॉइड्स के लिए भी है. द डिफरेंस इज कि पॉलीप्लॉइड्स में कंप्लीट सेट्स ही बढ़ जाएगा. लाइक नॉन डिसजंक्शन कैसे होगा? सपोज देयर इज अ सेल हैविंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ईच सेट इज हैविंग फाइव क्रोमोसोम्स. ओके, पांच पांच क्रोमोसोम्स के दो सेट्स हैं यहाँ पर. ये दोनों सेट्स एक सेल में पड़े हुए हैं. जब इस सेल में मियोसिस होता है तब ये सेट्स क्रॉस ओवर करते हैं. दिस क्रोमोसोम्स इज अ होमोलोगस स्ट्रक्चर, दे क्रॉस ओवर. ओके, जब ये क्रॉसिंग ओवर हुआ इसको बुलाएंगे क्या? जंक्शन. ये मिलना इनका जंक्शन है. एंड जब ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, डिसजंक्शन. बट इफ दिस डिसजंक्शन डू नॉट हैपन तो इसको कहेंगे हम नॉन डिसजंक्शन. दे रिमेन टुगेदर, एक बार मिले तो वो अलग नहीं हुए, साथ रहे, तो नॉन डिसजंक्शन कहलाएगा ये. नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या होगा? ये कंप्लीट जो सेट्स हैं दोनों के दोनों, दे विल गो टू द सेम गैमीट. एक गैमीट में दो सेट्स क्रोमोसोम्स के चले गए, मींस दैट गैमीट विल बी डिप्लॉयड. तो नॉर्मल गैमीट्स डिप्लॉयड नहीं होने चाहिए. नॉर्मली गैमीट शुड बी हैप्लॉयड. ओके, तो गैमीट्स हैप्लॉयड होते हैं जनरली, बट यहाँ क्या हुआ? अब नॉर्मल गैमीट इज बीइंग फॉर्म्ड व्हिच इज हैविंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, अ डिप्लॉयड गैमीट इज बीइंग फॉर्म्ड हियर. तो क्या होगा? लेट्स सी. तो यहाँ पर
हमारा एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जो कि डिप्लॉइड है एंड इट इज फॉर्मिंग गैमीट्स बाय मियोसिस, लेकिन मियोसिस में एक गड़बड़ हो गई और उस गड़बड़ की वजह से ये जो गैमीट्स बन गए वो भी डिप्लॉइड थे, तो डिप्लॉइड गैमीट्स बना दिए इस इंडिविजुअल ने। अब क्या होगा, ये यहाँ पर एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, लेट्स टेक इट मेल एंड फीमेल, यहाँ पर फीमेल ने भी बनाए गैमीट्स बट दोज गैमीट्स फॉर्म्ड आर नॉर्मल आफ्टर मियोसिस। Suppose these two gametes fuse, what will happen? We will get a 3N zygote. This is a triploid zygote. Now this triploid zygote, agar ye aage mitosis karke ek embryo banayega, embryo se ek new individual form hoga, that individual will be a triploid individual. यहां से क्या बन गया, एक पॉलीप्लॉइड इंडिविजुअल बन गया। सो दिस इज व्हाई दिस हैपेंड, बिकॉज द गैमीट वाज फॉल्टी। व्हाई द गैमीट वाज फॉल्टी, ड्यू टू नॉन दिस जंक्शन। ओके, तो ये बन गया है एक ट्रिप्लॉइड इंडिविजुअल, एक पॉलीप्लॉइड इंडिविजुअल, और ये पॉलीप्लॉइड इंडिविजुअल बनने के पीछे रीजन है नॉन दिस जंक्शन। लेकिन आपने ये देखा कि ये एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते थे, तो ये जो हमारा पॉलीप्लॉइड बनेगा, ये इंडिविजुअल, इस इंडिविजुअल को हम बुलाएंगे ऑटो पॉलीप्लॉइड। यहाँ पर जो पॉलीप्लॉइडी है उसके दो टाइप्स हैं, एक टाइप है ऑटो पॉलीप्लॉइडी, तो यहीं पर मैं बना देती हूँ, एक टाइप है ऑटो पॉलीप्लॉइड। ऑटो पॉलीप्लॉइडी में क्या है, ऑटो मीन सेल्फ, सो सेल्फ का मतलब है द क्रोमोसोम्स, ऑल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, यानी ये पॉलीप्लॉइडी अकर हो रहा है बट ऑल क्रोमोसोम सेट्स बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। तो यहाँ पर एक ही स्पीशीज के क्रोमोसोम्स के सेट्स हैं। अनदर टाइप इज एलो पॉलीप्लॉइड, इसमें क्या होगा, दो डिफरेंट स्पीशीज के क्रोमोसोम्स के सेट्स बढ़ जाएंगे, तो द क्रोमोसोम सेट्स बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज। और यहां पर क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज वी हैव टू डिफरेंट स्पीशीज, स्पीशीज लेंगे हम एज स्पीशीज ए and species B, there is a cross between two individuals of two different species, तो क्या होगा, ये भी एक diploid species है, ये भी एक diploid species है, so this is 2N, let's take it 2N as 14, यहाँ 2N 14 है, इसका 2N is equal to 6, ठीक है, यहाँ 14, it will make डिफरेंस इज लॉट, तो मैं यहाँ पर 16 ले लेती हूँ। तो यहाँ पर जो यहाँ पर इसका गैमीट फॉर्म होगा n will be 7, here the gamete form will be n is equal to 8, okay? These two will fuse, what will happen? We will get 8 and 7. एक सेट में 8 क्रोमोसोम, एक में 7 क्रोमोसोम, इट विल बी 2n इज इक्वल टू 15, बट क्या ये सेल आगे चलकर मियोसिस कर पाएगा, विल दिस सेल, इफ इंडिविजुअल इज फॉर्मड, नाउ इंडिविजुअल बन गया, ये एक जाइगोट है, इससे एक इंडिविजुअल बन जाएगा, जो इंडिविजुअल बनेगा वो डिप्लॉयड ही होगा और उसके अंदर 15 क्रोमोसोम्स होंगे, विल this organism be able to produce gametes? No. Why? Because it is not having complete two sets of chromosomes. It is having two sets but they belong to two different species. तो ये अलग अलग species के होंगे और ये एक दूसरे के साथ pairing नहीं करेंगे. They are not homologous chromosomes. Now this individual formed will be, यहाँ जो individual formed होगा वो 2N ही होगा,
बट ये स्टेराइल होगा, ये गैमीट नहीं बना सकता क्योंकि मियोसिस के टाइम उसके क्रोमोसोम्स पेयर नहीं करेंगे, इसलिए गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी वहां पर। गैमीट फॉर्म नहीं होंगे तो क्या करें? तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसका पॉलीप्लॉइड बना दिया। इफ अ पॉलीप्लॉइड इज फॉर्मड आउट ऑफ दिस देन व्हाट विल हैपन? क्या किया इस स्टेराइल इंडिविजुअल को? This sterile individual, not actually not individual is treated, but actually is this zygote. Let's take the zygote. ये बनने से पहले ही zygote को treat कर दिया। किससे treat कर दिया? Colchicine. ये एक drug है जो एक plant से लेते हैं। इस drug से क्या होता है? Polyploids form होते हैं। ये जो drug है, इसको zygote is treated with this drug. ड्रग क्या करती है ये? दिस जाइगोट, दिस सॉरी ड्रग, इट डज नॉट अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स को ये एग्रीगेट होकर स्पिंडल फाइबर्स बनाने नहीं देती है। स्पिंडल फाइबर्स अगर नहीं बनेंगे तो क्या माइटोसिस हो पाएगी? क्या एनाफेज में वो क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स पे जा पाएंगे? नो। तो कोल्चिसिन ट्रीटमेंट देने से क्या हुआ, ये 2n is equal to 15, ये क्रोमोसोम डबल हो जाएंगे। एज यू नो माइटोसिस से पहले क्या होता है? इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होगा? एस फेज आएगा, सिंथेसिस फेज, जिसमें डीएनए डबल हो जाता है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स डबल हो चुके हैं पर वो दो डॉटर सेल्स में नहीं जा रहे हैं। क्रोमोसोम्स आर ऑलरेडी डबल्ड बट दे आर नॉट मूव टू ऑपोजिट पोल्स एज देर आर नो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर्स नहीं बने तो क्या होगा? ऑपोजिट पोल्स पर ये क्रोमोसोम्स पुल नहीं होंगे बट वो क्रोमोसोम्स डबल हो चुके हैं, यानी कि माइटोसिस से पहले यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 30 हो चुका है एंड वी हैव 4n इज इक्वल टू 30। Okay, but this cell will not divide. So this cell is having two sets of 8 chromosomes and two sets of these chromosomes, set number set. Okay, ye six likhe, this is not 88, this is two sets of 8 chromosomes each, 7 chromosomes in one set. Theek hai, ye do sets ho gaye chromosomes 7 ke. To yahan par 4n 30 ho gaya. Now this is a पॉलीप्लॉइड सेल। ये पॉलीप्लॉइड सेल के जो क्रोमोसोम्स हैं, सेट्स हैं, चार सेट्स हैं, चार में से दो सेट्स आ रहे हैं एक स्पीशीज से। कौन से स्पीशीज थे वो? स्पीशीज बी, और दो सेट्स आ रहे हैं स्पीशीज ए से। सो दिस टाइप ऑफ पॉलीप्लॉइड इज नोन एज एलोपॉलीप्लॉइड। दिस सेल विल बी नोन एज एलोपॉलीप्लॉइड। ये सेल मियोसिस भी कर सकता है क्योंकि इसके पास सेट्स हैं, अपने होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। इट कैन अंडरगो मियोसिस। द इंडिविजुअल जो इससे इंडिविजुअल बनेगा वो इंडिविजुअल फर्टाइल होगा, दैट इंडिविजुअल कैन प्रोड्यूस गैमीट्स, इट कैन अंडरगो रिप्रोडक्शन। ओके, सो एक जो हमारे प्लांट्स के केस में साइंटिस्ट एलोपोलिप्लॉइड्स बनाते हैं, ओके, दो प्लांट्स के जो हाइब्रिड्स फॉर्म होंगे, दिस इज बी अ हाइब्रिड, ये हाइब्रिड बन गया, और ये हाइब्रिड प्लांट्स में बहुत बनाते हैं साइंटिस्ट टू इंक्रीज द यील्ड एंड टू इंक्रीज डिजीज रेजिस्टेंस, या फिर कोई और न्यूट्रिएंट वैल्यू ऐड करने के लिए साइंटिस्ट यूजुअली मेक दीज एलोपोलिप्लॉइड्स। तो दो प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइन कर दिए और उसके बाद उसको फर्टाइल भी रखना है, फर्टिलिटी भी लूज नहीं करनी है, तो दिस एलोपोलिप्लॉइडी इज डन फॉर। ठीक है, हमारी जो वीट है, वीट का राई के साथ क्रॉस करवा के ऐसे ही एलोपोलिप्लॉइड्स बने हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलीप्लॉइडी। तो प्लांट्स में बहुत सारे यील्ड बढ़ाने के लिए पॉलीप्लॉइडी इज बीइंग यूज्ड। ओके, सो दिस इज अबाउट पॉलीप्लॉइडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।